एंड गाइस आपको बता दूं कि अभी जो है खाना बना रही थी हिमाचल वाले। हाँ जी, क्या हाल चाल दोस्तों। हमेशा की तरह लोगों के बज चुके हैं 12 और आपके भाई की हो चुकी है सुबह। एंड भाई आज सुबह सुबह ही मम्मी का पारा हाई हो रखा है। मम्मी क्यों गुस्सा कर रहे हो यार, क्या ऐसे बोलो। मैंने कहा आपके गुस्सा काम करने के लिए, मैंने काम नहीं करते और किस न करने कितने काम बचे साथी। तो फिर एडिटिंग कौन करेगा बाद में, ब्लॉग नहीं डालना होता है। मैंने बेड के ऊपर लेट कर तो कैसे डालना है, खड़े होकर लेट डालना है, कैमरा लेकर नाचने तो ब्लॉग डालना। तो नाच तो रहा हूँ कैमरा लेके, करना क्या है ये बताओ। बेड मेरे से गाली निकली तब नाच रहा है। भाई मैं तुम्हें सीरियसली बता दूं गाइस, आप पता नहीं मानोगे या नहीं मानोगे, वहाँ चढ़ के बैठे हैं मम्मी और यहाँ पे बोल रहे हैं कि बेड जो है वो सामान शिफ्ट करना है पुराने घर को। बट अभी जैसे मैंने कैमरा इनकी तरफ किया तब तो भाई ये बहुत सॉफ्ट हो गए। जब कैमरा नहीं था तो शायद उस टाइम पे। अजू नेक्स्ट टाइम से भाई एक काम करियो तो बस, ठीक है कि रिकॉर्ड करना है तूने जब भी मम्मी बोलेंगी, ठीक है चुपचाप गोप्रो तेरे पास ही होता है, बस भाई वही गोप्रो पे तूने रिकॉर्ड करके रख लेना है, फिर लोगों को मजा आएगा कंटेंट देखने के लिए। लगता है मैं क्या गालियां निकालूंगी, लोगों को समझ नहीं आएगी, पता नहीं क्या बोल रही है। समझ जाते हैं लोग। आपको क्या लगता है, आप अपनी यहाँ के लोकल लैंग्वेज में बात करोगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा। अपनी भाषा में बात करूंगी किसी को समझ नहीं आएगी, देख ले। चलो फिर तो बढ़िया है, फिर तो बढ़िया। लो ठंडा पी लो। बड़ा बड़ा धन्यवाद जी, सुबह ठंडा पी रहा हूँ चाय की जगह। तो ये जो बेड है भाई ये पूरे खाली कर दिए हैं और इन बेड के पीछे ही मम्मी ने भाई हल्ला मचाया है। मम्मी बोल रही है कि इन बेड को यहाँ से उठा के बाहर जो सामने मेरा पुराना घर है उनमें शिफ्ट कर देना है, क्योंकि जब बारात वगैरह आती है तो हमारे यहाँ स्टेज वगैरह कम ही लगाते हैं तो कमरे में सारे के सारे बराती रुकते हैं, तो उसी हिसाब से भाई यहाँ पे पूरी की पूरी बारात रुकेगी। तो चलो भाई इसे फटाफट से उठा ही लेते हैं। चलो जो पकड़ ले, ठीक है रुको कैमरा रख लो। कहाँ गए मम्मी? डाउन कर दे जो, उधर से डाउन कर दे। चलो उठा ले। ये बड़ी पहले की आदत है इनकी, जब कैमरा लगा तो ये पेट बाहर निकले हुए ना, जल्दी से अंदर कर। इतना पेट, इतना पेट कौन सा बाहर खड़े था मेरे को पता है। ठीक है ये अभी भी ऐसे अंदर करे हुए, ऐसे नहीं किया मैंने नॉर्मल। जब इस तरफ थे ना तर ऐसे हुआ था, इस तरफ मैं आपको बताता हूँ क्या होता है ना, कई बार मेरे को एक्चुअल में जो मेरी हेल्थ है आपको पता है बहुत टाइम मतलब एक साल के अंदर बहुत इंक्रीज हुई। अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखोगे ना एक साल पुरानी तो आप देखोगे मेरा मुंह मतलब बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल पतला, और एक साल के अंदर दोस्तों मतलब हेल्थ इतनी ज़्यादा बढ़ गई आप मानेंगे नहीं। कि मेरे जो पुराने कपड़े थे लाइक वो मुझे ऐसे आते हैं देखो ऐसे, अब जब ऐसे कपड़े आएंगे भाई तो थोड़ा सा मैं सांस लेता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि पेट बाहर को आ रहा है। ये कब के पुराने हैं? क्या अभी ये? हाँ तो पुराने कपड़े जब भी पहनता हूँ। अच्छा भाई मान लो ना कि आपका पेट निकला हुआ है, ठीक है जाती अभी अभी तक नहीं निकला है, ठीक है निकल चुका है। तुम्हारी तरह तो नहीं है ना, क्या है ये देखो सूखे एंड भाई पता नहीं ब्रोनी का ये बेहेव देख के मैं भी काफी ज्यादा परेशान हूँ। कि वैसे तो ब्रोनी जेलस फील करता है जब भी जोजो को कोई प्यार करते हैं, बट दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे कि जोजो को छोड़ के ये एक सेकंड भी नहीं जाता है। जहां पे जोजो रहेगा वहां पे ब्रोनी रहेगा, कोई एक्स्ट्रा कुत्ता आ रहा है तो उसको ब्रोनी भगा देगा। इसके अलावा अगर जोजो कई बार होता है यहां से नीचे उतर जाता है, भाई जोजो की हाइट जो है वो थोड़ी हल्की है तो मतलब नीचे उतर गया तो ऊपर नहीं चढ़ पाता है, तो ये इतना समझदार है कि इसको नीचे नहीं उतरने देता और ब्रोनी ढूंढता है भाई कि वो उसके साथ खेले। बट ब्रोनी के जो ये पंजे है ये इतने हैवी है कि जब प्यार से वो ऐसे जोजो को मारता है तो जोजो नाक के बल गिरता है भाई ऐसे करके नीचे। एंड ब्रोनी बहुत समझदार है भाई, ये समझ लो आपकी पूरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है कि जैसा इसका भाई हो, छोटा भाई हो जिसको पूरा केयर करना है। और ये भी अब थोड़ा थोड़ा डरना कम हो गया है, जोजो में जोजो बस ये है कि इसको प्यार ना करे, ठीक है केयर ये कर लेगा तो मेरी केयर करो उसका ये कहना है। सो गाइज यार अभी भाई कमरा हो चुका है पूरा खाली, बेड हम लोगों ने उठा दिए हैं तो अभी टाइम है खाना खाने का। एंड अज्जू भाई आप देख सकते हो भाई ऑलरेडी खाना बैठ गए हैं और खाने में आज बनी हुई है दही और खिचड़ी। तो गाइज अभी खाना खाने के बाद टाइम है पेंट करने का। अभी यहाँ पे जो शिवानी एंड दीक्षु की चॉइस है वो आप यहाँ पे वॉल में देख सकते हो, ये वाला कलर है। एंड
अभी ठीक है फाइनल है इन लोगों का ना, बताओ यार फाइनल हो गया ठीक है। तो अभी इनको मैं कलर बना के दे रहा हूँ, हालांकि आप देखेंगे तो बाल्टी के अंदर जो ये प्योर व्हाइट है इसके अंदर मैंने हल्का सा ऑरेंज मिक्स किया था, तो ये थोड़ा सा लाइट कलर निकल के आया। अब मैं थोड़ा और इसमें ऑरेंज मिक्स कर रहा हूँ, देखो ये जो तुम बता रहे हो ना ये तो इसकी तरह हो जाएगा देखना ठीक है, ये कलर और वो पकड़ता जाएगा ऑरेंज। हाँ हाँ ये वाला कलर देखो जितना हम डालेंगे तो यही तो होता है, हल्का लाइट ऑरेंज ही आता है ये। तुम ये वाला थोड़ी ना बोल रहे थे भाई, ये क्या सोच रहे थे पता है? इन्होंने क्या इमेजिन किया था मैं तुम्हें सच बताता हूँ, जैसे वो मंदिरों में नहीं होता बिल्कुल संतरी जो होता है भाई भगवान सिंदूर की तरह, सिंदूर की तरह इन्होंने सोचा वैसा बना, वैसा नहीं है। रवि ने जो फोटो दिखाई थी वो कौन सा ऑरेंज था? वो वाला था दिखाई थी फोटो, तुमने डार्क ऑरेंज कलर की दिखाई थी और अब तुम अपने मुंह कर रहे हो। ये बता लो इतना इतना ये क्रीमी ठीक है, ये क्रीमी ढूंढ रहे हो तुम ठीक है, यही ढूंढ रहे हो, क्लोज से दिखा दिया जो। तो ये इनका फेवरेट कलर बन चुका है। अब दीक्षु का फेवरेट कलर जो है वो चॉकलेट ही, बस उसको ऑर्डर करना बाकी है। जो व्हाइट कलर के मैं डब्बे लेके आया था लकड़ी के लिए उसको कहीं और जगह पे लगा देंगे ठीक। बन गया कलर, उससे ज्यादा या प्लस माइनस कुछ करना है? जो व्हाइट कलर लाए थे ना तुम लकड़ी के लिए उसको हम ऊपर जो ये ब्लू कलर की प्लाई है ना इधर नहीं अंदर का, अच्छा अच्छा वहाँ पे लगा देंगे और अलमीरा जो तुम्हारी है उसको व्हाइट कलर। चलो ठीक है। सो गाइज यार काफी टाइम से हम जो है वो पेंट करने के लिए लगे हुए, एंड अभी आप रूम की कंडीशन देख सकते हो भाई, मतलब दो दो तीन तीन कोट जो वो यहाँ पे भी पुट्टी के मार दिए हैं। और अब ये वही कमरा है फ्रिज वाला कमरा जिसकी कंडीशन क्या थी, अभी तक पेंट नहीं हुआ है, ऊपर व्हाइट हम कर रहे हैं यहाँ पे पेंट, जो कि जल्दी कर दिया जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप देखोगे तो ये हाथ को बहुत जल्दी चिपकता है ये वाला पेंट, तो उससे पहले इसको फिनिश कर देना है। एंड दीक्षु का जो फेवरेट कलर था, दीक्षु मैंने मंगवा दिया है, आप खुश हो? हैप्पी? बहुत ज्यादा ना हैप्पी। एंड अज्जू भाई तो भाई कंटिन्यू मेहनत कर ही रहे, अज्जू भाई थक तो नहीं गए ना? थक भी चुका हूं भाई, थक तो मैं भी गया हूँ भाई, पर क्या करें, बालों को ऐसे कर लो अज्जू भाई, चोटियां लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे चोटी रखी है पूरी की पूरी, हाथ खराब हो गए पूरे हाथ बाल के ऊपर पेंट चिपक गया। और ये देखो कुछ लोग जो थोड़ी देर के लिए सिर्फ दिखाने के लिए की हम मेहनत, ये तो अभी पेंट करते करते लगभग जो है रात आप देख सकते हो भर हो चुकी है, एंड पेंट भाई कंटिन्यू चल रहा है, बट पेंट के अंदर डलता है तारबीन। और सच बताऊं दोस्तों, तारबीन को लेकर मेरे अंदर जो फीलिंग है वो ऐसी आती है कि जो भी खाया है मैंने दिल करता है भाई उसको बाहर को निकाल दूं, ऊपर से सरदर्द भी होता है। खैर उस चीज़ को छोड़िए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दीक्षु और शिवानी का जो फेवरेट कलर था, लाइक उन्होंने बोला था कि दरवाजे के लिए चॉकलेटी करना है, तो वो चॉकलेटी कलर मैं लेके आया हूँ। एक नहीं ऐसे ऐसे तीन पीस है यहाँ पे, मैंने एक रखा है। इसके अलावा जो है दोस्तों यहाँ पे ब्रश वगैरह लेके आया और एशियन पेंट भी साथ में लेके आया हूँ, जो कि थोड़ा सा कम लग रहा था मुझे, मैं 20 लीटर की बाल्टी लास्ट टाइम उठा के लाया था। और भाई आपको पता ही आजकल की शिवानी के साथ क्या चल रहा है, मच्छरों ने उसे बहुत ज़्यादा काट लिया है, तो इसकी वजह से उसने डिटॉल मंगाया था, तो ये डिटॉल भी आ गया है। तो लास्ट वीडियो में ना बहुत से लोग शिवानी के कमेंट बॉक्स में ये बोल रहे थे, जहाँ तक कि मैंने चेक किया तो बोल रहे थे कि आपको शायद से खटमल ने खाया है, बट देखो यार एक्चुअली जो हमारे यहाँ पे ठंडे एरिया के जो मच्छर हैं, अगर आप कंपेयर करोगे गर्म एरिया के मच्छर से तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि मैंने देखा है जो खासकर मतलब गर्म एरियों में मच्छर होते हैं जैसे कि पंजाब या फिर लोअर हिमाचल में, वो जो मच्छर होते हैं दोस्तों वैसे टी टी करके आते हैं रात को, काले वाले मच्छर होते हैं, बट यहाँ पर जो मच्छर होते हैं दोस्तों वो बहुत ही छोटे होते हैं, मतलब देख पाना भी बड़े से तरीके से देखना पड़ता है, चमड़ी के ऊपर मच्छर बैठा हुआ है और वो इतने फास्टेस्ट काटते हैं कि एक मच्छर आपको लगभग 8 से 10 बाइट करके जाएगा। अब बहुत से वायरस ऐसे होते हैं जो मच्छरों की वजह से फैल जाते हैं, बट ये जो मच्छर होते हैं दोस्तों उनका वायरस फैलने का डर उतना नहीं होता जितना कि वो ब्लैक वाले जो डेंगू वाले मच्छर होते हैं या और भी मच्छर जो टी टी करके रात को आते हैं उतना नहीं। बट कई बार क्या होता है कि कई लोगों को स्किन प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से अगर एक बार भी उन्हें वो मच्छर काट लेता तो उनकी वो स्किन वहाँ से फूल जाती है, तो शिवानी के साथ भी सेम यही चीज हुई है कि उसकी स्किन बहुत ज्यादा फूल रही है, तो इसीलिए उसने जो मेरे को बोला था कि डिटॉल लेके आना, तो अभी डिटॉल मैं लेके आया हूं, एंड चलो भाई ऊपर जाके देखते हैं और डिटॉल भी शिवानी को दे के आते हैं और देखते हैं कि क्या चल रहा है। तो चलो भाई अंदर जा जाके देखते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो अच्छा खाना डल चुका है मेरे लिए भी। हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये लो अपना डिटॉल। थैंक यू, वेलकम। खाना बन गया? एंड गाइस आपको बता दूं कि अभी जो है खाना बना रही थी हिमाचल वाले जल्दी आ रहा, ठंडा हो गया खाना। चलो ठंडा कहाँ से हो गया, मेरे के लिए डॉल कर। अच्छा मेरी जगह पे जोजो बैठ गया भाई। जोजो, ओ जोजो तुझे खाना है क्या?
अजू क्या भाई जोजो को दे दे परमिशन क्या फुल सुपर लाइक सुपर नहीं कुकिंग तुम बहुत अच्छी करती हो ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ ठीक है बाकी देखो कुछ लोगों को रात के 1:30-2 बजे भी शायद मेले को जाना इधर देखना मेले को ही जाना मैंने पेंट किया था फिर मेरा पूरा मुंह सर वगैरह सब पे पेंट लगा गुड 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 ये तो तुमने मुझे भी याद दिला दिया कि पेंट तो मैंने भी किया है मुंह तो मेरे को भी धोना पड़ेगा राइट मुंह नहीं मेरे तो पूरे बाल भर गए चलो फिर तो बढ़िया चलो दोस्तों फटाफट से अभी खाना हम खा लेते हैं सो गाइस यार अभी जस्ट खाना खा के मैं पहुंचा हूँ रूम में एंड गाइस परे से इतनी तगड़ी स्मेल आ रही है लकड़ी की पेंट की मतलब पूरा का पूरा सर मेरा ऐसे ही घूम रहा है उसके अंदर जो तारपीन डाला आई थिंक उसकी स्मेल जो है जो कि मेरी बर्दाश्त से बाहर जा रही है भाई आप मानेंगे नहीं मेरा मन बहुत ख़राब हो रहा है बट कर भी कह सकते हैं ऊपर सारे के सारे लोग सोए हुए हैं परे कमरे में पेट है यहाँ तक बदबू की आ रही है बट एक या दो दिन तो ये झेलनी ही पड़ेगी क्योंकि भाई नया नया रंग करवाया है तो रंग तो चढ़ेगा ही ना उसका नशा तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो देखने में अच्छा लगा अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें अगर आप नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों साथ ही साथ में इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और वीडियो में भगवान करे आपका समय शुभ हो टेक केयर एंड बाय बाय